हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुमान सिवलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HS टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत करते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे TSC का फाइनल एग्जाम है वो किस प्रकार से दे। हम यहाँ पर आपको लाइव TSC का फाइनल एग्जाम देके और उसका सर्टिफिकेट लेकर दिखाएंगे। अगर आपको TSC से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या आती है, चाहे एग्जाम हो चाहे असाइनमेंट हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 24x7 और कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। आपकी तुरंत हमारी HS टेक्निकल सपोर्ट द्वारा टीम द्वारा आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने TSC का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके बाद में आपके 10 असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं। 10 असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद में जो मेन लाइव एग्जाम लगता है वो किस प्रकार से दें, तो वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि इसमें आपको दो ही अल्टीमेट मिलते हैं। अगर आप दोनों अल्टीमेट में फेल हो जाते हैं तो आपके 1489 रुपये गए, वापस ही आपको नया टोकन काटना पड़ेगा। तो इसलिए सावधानी रखें। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, एग्जाम आपको दिखाता हूं लाइव एग्जाम कैसे लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन है, आपका वेब कैमरा। अगर आपका लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है तो आप वेब कैमरा लगा सकते हैं, और लैपटॉप का कैमरा अच्छा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन आपके सामने है और हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। 10 असाइनमेंट हमारे कंप्लीट है, आपको हम दिखा देते हैं जूम करके। तो देखिए, यहाँ पर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट है। हम असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और देखिए असाइनमेंट सभी कंप्लीट है। टेक एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज का सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, और यहाँ पर टेक क्विक सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं पास अल्टीमेट यहाँ पर दिखा रखा है। आपको दो ही अल्टीमेट मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखें। एग्जाम से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, पहले आपको ये ब्राउजर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या अपने PC में, जो भी एग्जाम दे रहे हैं। ये क्लिक पर क्लिक करके तीन प्रोसेस है, इस स्टेप बाय स्टेप इसके डाउनलोड होने के बाद में इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपका टाइम भी बचे। अब हम स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं। ये ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना है पहले, ध्यान रखें, ठीक है, एग्जाम देने से पहले। अब हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो हम स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आएगी, आपको जो सामने दिखा रखा है इस प्रकार की फ़ोटो लेना है। तो चलिए हम फोटो ले लेते हैं अपने वेब कैम से। हमारा यहाँ पर लैपटॉप का कैमरा ऑन हुआ था, हम वेब कैम से फ़ोटो लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सामने देखिए, हम ही यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर क्या हुआ कि हम खुद ही वीडियो को शूट कर रहे थे और हम ही यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब हम फोटो लेंगे और देखिए आपके सामने है। आपको फोटो बिल्कुल यहाँ पर सामने दिखा रखा है कि इस प्रकार से आपको फोटो लेनी है। आपको बिल्कुल ही फोटो इस प्रकार से चेहरा नहीं दिख रहा हो, ऐसी कैसी फोटो नहीं लेनी है जिससे कि यहाँ पर आपको टाइम लगे, वेट करना पड़े एग्जाम स्टार्ट होने का। तो देखिए, फोटो वगैरह सही लेनी है तभी आपको कम टाइम में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको आधार कार्ड की आपको फोटो लेनी है, जो सामने दिखा रखा है इस प्रकार से आपको आधार कार्ड की फोटो लेनी है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये दोनों आपके डॉक्यूमेंट इस प्रकार से हो जाएंगे, फोटो आ गई और आधार कार्ड की आपकी फोटो आ गई। तो यहाँ पर देखिए, ये होने के बाद में आपको यहाँ पर अगर ये बताया जाए कि प्लीज वेट, यहाँ पर अभी इतने कैंडिडेट लाइन में हैं तो आपको 4-5 मिनट वेट करना है, तो आप घबराए नहीं, आपका जल्द ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपकी क्लियर फोटो वगैरह रहेगी तो आपका तुरंत एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, आपको बस कुछ 2 मिनट का वेट करना है। तो देखिए, हमारा जैसे इतना बता रहा था लेकिन हमारा एग्जाम जल्द ही स्टार्ट हो गया। और देखिए इस प्रकार से आपका दोनों राइट टिक आ जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट पर आपको क्लिक करना है, आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, 59 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो ये आप टाइम देख सकते हैं, जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ निर्देश दिखाए जाएंगे, आपको टिक लगा के स्टार्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको सामने आप स्क्रीन आप देख सकते हैं, आपका जो लाइव एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, 60 मिनट का। तो यहाँ पर देखिए, आपको कैमरा ऑन रखना है और कैमरे के सामने नज़र रखनी है। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सी किधर उधर करोगे तो यहाँ पर एग्जाम को कैंसिल कर देंगे और आपको फेल कर देंगे, ये ध्यान रखें। बिल्कुल भी आपको फोकस कैमरे के सामने रखना है, ये नहीं है कि आप इधर उधर देख रहे हो, ताक झाँक रहे हो, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। आंसर देने के बाद में यहाँ पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके 10 असाइनमेंट है उन्हीं में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। आंसर देने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट करना है, नीचे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और आपको 59 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको TSC एग्ज़ाम या TSC में कोई करेक्शन है या आपका CSE रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इस प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
आप यहाँ पर नामात्र शुल्क में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और TSC करेक्शन भी करवा सकते हैं, और अगर CSE रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ये आपको स्क्रीन पर हमारा दिख रहा है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर दिखा रखा है आपको स्क्रीन पर नंबर, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आराम से, आपको टाइम भी बहुत मिलता है, 60 मिनट का टाइम मिलता है, आराम से पढ़ पढ़ के टाइम दे सकते हो। अब यहाँ पर इसकी स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके खिलाफ है, तो आप उनके आगे नहीं जा सकते, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका लाइव एग्ज़ाम लगता है, वो हमने आपको जैसे थंबनेल में बताया और वीडियो में बताया है, और पास की आपकी जैसे आपको किस प्रकार से आपको पास करना है एग्ज़ाम, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका एग्ज़ाम पास करवा देंगे। इससे संबंधित आपको TSC से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आती है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दो ही अल्टीमेट मिलते हैं, अगर दोनों अल्टीमेट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके 1479 रुपये का टोकन आपको वापस काटना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट अल्टीमेट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देंगे, आपको आराम से पढ़ पढ़ के उनको आंसर देना है। आंसर देने के बाद में आपको सबमिट पे एंड टेस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किसी बंदे के एक नंबर क्वेश्चन है तो वो 50 नंबर पर भी आ सकता है, ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर TSC का जो मेन एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको जो कैमरे के सामने आपका फोकस रखना है, आपके पास वेब कैमरा है तो उसके सामने आपको फोकस रखना है, या लैपटॉप से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर उसका आपका कैमरा क्लियर है तो आप उसके सामने फोकस रखना है। अब यहाँ पर काफ़ी भाई पूछते हैं कि जो एग्ज़ाम है लाइव वो हम Windows 10 में ही लगेगा या Windows 7 में लगेगा, आप Windows 10 में भी दे सकते हैं, अगर सपोर्टेड है तो Windows 7 में भी आप दे सकते हैं, लेकिन Windows 10 ही ठीक है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी बंदों का एग्ज़ाम बीच में ही बंद हो जाता है या रोक दिया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे आती है प्रॉब्लम जिनके कारण से उनको फेल का सामना करना पड़ता है, तो इसे आप किसी प्रकार की गलती नहीं करें। अगर आपको TSC से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इन क्वेश्चनों का आंसर दिया है और अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पर देखिए हम आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपका टाइम ख़राब नहीं हो। और हम यहाँ पर आपको बता दें TSC से संबंधित जैसे कि आपके असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करने हैं उसका भी हमने पिछला वीडियो डाला है, उसमें हमको बताया है कि किस प्रकार से आपको TSC का जो असाइनमेंट है वो कैसे कंप्लीट करना है, और हमने आपको TSC से संबंधित प्रत्येक वीडियो मतलब TSC का जो भी है वो सभी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखे हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी आप TSC जो CSE वैली है प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, और उसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपने अभी तक आपके जानकारी से दूर हैं, कि जैसे कि CSE का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या फिर TSC का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या फिर हमारा टोकन कट गया है, हम तो ID पासवर्ड नहीं मिला है, या फिर हमारे CSE रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका सभी का सवालों का जवाब आपको हमारी जो CSE वाली प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसमें जाइए और वहाँ से आप चेक कीजिए और अपनी जो भी समस्या है उस प्रकार से आप वीडियो देखिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित या फिर CSE रजिस्ट्रेशन से संबंधित या TSC करेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, आप हमें वर्किंग टाइम में कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, कभी भी आपके एनी टाइम NHS टेक्निकल सपोर्ट टीम द्वारा आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर एग्ज़ाम दे दिया, करीब 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, 10 क्वेश्चन बाकी है, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आंसर देने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्रीवियस पे जा सकते हैं और वापस चेक कर सकते हैं, और आपको 60 मिनट दी जाएगी और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको TSC से संबंधित किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, हमसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, तो कोई भी प्रकार की आपकी दिक्कत आती है तो आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट होने को है और हमने यहाँ पर 41 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं।
आपको ये नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ दें, आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए हम जिस प्रकार से आपको करके दिखा रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है, और आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के बीच में इधर उधर देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल में देख रहे हैं या फिर आप कहीं पर चले जा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम के टाइम आपको बिल्कुल भी कैमरे के सामने फोकस रखना है। आपका जो भी कैमरा है, वेब कैम आपने लगाया है, तो उसके सामने आपको फोकस रखना है, या फिर आपने जो भी लैपटॉप का अगर कैमरा अच्छा है तो उसका भी आपके सामने फोकस रखना है। और यहाँ पर शोरगुल वातावरण आपको नहीं रखना है, और आपके आसपास किसी जैसे कि कोई बंदा देख रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप सिंगल आपको रहना है, और 5-10 मतलब एक घंटे की बात है, अगर चाहें तो आप 20 मिनट में भी एग्ज़ाम कर सकते हैं, 50 मिनट में भी कर सकते हैं, 10 मिनट में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने पर हम डायरेक्ट एंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे। एंड टेस्ट का ऑप्शन आपको फोटो, जो आपकी फोटो दिखाई दे रही है उसके नीचे जस्ट एंड टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो देखिए यह एंड टेस्ट करते ही यस सबमिट पर क्लिक करेंगे, और देखिए एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। सक्सेस यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा आपको कि आपका टेस्ट विंडो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में आपको अपनी TSC ID पासवर्ड वापस लॉगिन करना है, और वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट दिखा जाएगा। देखिए टेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखिए TSC ID लॉगिन की, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आ गया है, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है। अगर बंदा फेल होता है तो यहाँ पर फेल दिखा दिया जाता है। एग्जाम क्लियर होते ही आपका एग्जाम का सर्टिफिकेट दिखा दिया जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और CSE के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपनी CSE ID ले सकते हैं। तो देखिए हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है, हमने आपको लाइव दिखाया है एग्जाम क्लियर करके, और सर्टिफिकेट भी हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से आप भी ले सकते हैं। किसी प्रकार की अगर TSC से संबंधित अगर समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमने आपको TSC का जो मेन लाइव एग्जाम है वो आपको दिखाया है यहाँ पर, और सर्टिफिकेट भी हमने ले लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि TSC का जो मेन एग्जाम है वो आप कैसे देंगे। अगर आपने गलती कर दी, दो बार एग्जाम दे दिया और गलती हो गई, आप फेल हो गए, आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो यहाँ पर आपको 1479 रुपये का चूना लग सकता है, वापस ही आपको टोकन काटना पड़ेगा। तो इसलिए ये एग्जाम आप पास कैसे करें या ये एग्जाम आप कैसे दें। तो देखिए दोस्तों TSC का जो मेन एग्जाम है उससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम, चाहे पास करना हो, चाहे सर्टिफिकेट लेना हो, या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, TSC में करेक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो, और जो वर्किंग टाइम है उसमें आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपसे TSC से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा आपका किया जाएगा, HS टेक्निकल सपोर्ट टीम द्वारा। तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हो, हमारा जो आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहा है, TSC से एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका करेक्शन हो, चाहे आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो भी अपना TSC का एग्जाम क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं एक और प्रेस वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।